अगर आप BFS में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे ऑनलाइन, इसका प्रोसेसिंग मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ देखिए, यहाँ टाइप कीजिए www.bfsglobal.com। तो जैसे कि हम जाना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ टाइप किया इंडिया, तो इंडिया से मैंने टाइप किया तो फिर मुझे जाना कहाँ है, तो फिर मुझे जहाँ जाना है यहाँ हमको टाइप करना पड़ेगा। तो आपने टाइप किया, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया इटली, अपॉइंटमेंट का डेट आ गया। अब स्लॉट वाइज आता है, अब स्लॉट वाइज मुझे क्या करना है कि मुझे कौन सा स्लॉट में जो है अपॉइंटमेंट लेना है और कौन से शहर में लेना है, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा शहर में लेना है। जैसे आप कलकत्ता में लेना चाहता है तो आप कलकत्ता में आप स्लॉट ले सकते हैं। जैसे कि आप, आपका जो भी नज़दीकी BFS सेंटर होगा वहाँ आप अपना स्लॉट बुकिंग कीजिए, मतलब वही स्लॉट हिसाब से आपका अपॉइंटमेंट होता है। जैसे कि मैंने देख, तो अभी हमें ये फॉर्म जो है फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म में पहले आपको नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट, ये सारे चीज़ें भरना होता है। आप देख लीजिए, एक एक करके पढ़ लीजिए। देख, जैसे कि यहाँ पासपोर्ट नंबर भरना पड़ता है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ता है, यहाँ जो पासपोर्ट है पासपोर्ट एक्सपायरी डेट क्या है वो आपको यहाँ फिल करना होता है। तो यहाँ फिल कीजिए, धीरे 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 सारे फिल कर लीजिए। जैसे कि मैं फिल कर रहा हूँ, यहाँ ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा और सारे प्रॉपर दे देने के बाद देखिए यहाँ आपका नीचे जो है नीचे सेव, जैसे आप सेव में क्लिक करते हैं तो फिर आप पहुँच जाते हैं दूसरा पेज पे। कौन सा टाइमिंग में आप, आपका जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग और डेट आप चूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ डेट अच्छे से चूज़ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन सा डेट मेरे लिए अच्छा रहेगा, और मैं यहाँ जो डेट देख रहा हूँ कोई एक दो डेट चूज़ करता हूँ। तो मैं अक्टूबर का लास्ट डेट जो है वो लास्ट डेट को चूज़ करता हूँ। ये देखिए 31 को मैंने चूज़ कर लिया। तो जैसे मैंने 31 को चूज़ कर लिया तो फिर मेरा पास ये स्लॉट का हिसाब से ये देखिए टाइमिंग आ गया। तो समझ लीजिए आप लोड मोड करके और भी, और नीचे ऑप्शंस रहता है वहाँ से आप और भी देख सकते हैं कि कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, आप कौन सा टाइम लेना चाहते हैं। आप मैंने अपने हिसाब से सोच लीजिए कि मैंने अपने हिसाब से ये टाइम, मैंने जैसे आप कंफर्म करते हैं तो आपके पास ये सारा ऑप्शन खुलते हैं कि आप और कौन सा सर्विस लेना चाहते हैं। तो आपके पास बहुत सारा सर्विस है, आप सर्विस को ऐड करें। एक एक बात याद रखिए, आप दूसरे कोई वेबसाइट में या तो कहीं सिखाया जाएगा आपको कि आप पहले पैसा आप ऑनलाइन भर दीजिए। मैं, मेरा हिसाब से आप मानिए तो कोई पैसा भरना नहीं होता, कोई भी फीस आपको पे करना नहीं होता। जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तब आपको कोई फीस नहीं देना पड़ता है। आपको सोच लीजिए कि मैंने SMS सर्विसेस मैंने ऐड कर लिया, तो SMS मेरा आते रहेगा कि हाँ जो भी SMS सर्विस है मैंने अभी से इसको ऐड करके रखा कि हाँ फर्दर आगे चल के वो ऑटोमेटेड मेरा जो है वो सर्विस मेरा ऐड हो जाएगा। करने के बाद आपको क्या करना होता है, आप सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ कंफर्म में जैसे आप क्लिक करते हैं तो कंफर्म में क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेल आ जाएगा, अपॉइंटमेंट मेल, कि आप इस डेट से इस डेट को आपने अपॉइंटमेंट लिया है। जिस डेट का आपने अपॉइंटमेंट लिया है उस डेट का अपॉइंटमेंट आपके पास आ जाएगा और मेल में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको मेल जाके खोल के अभी दिखा देता हूँ कि मेल में मेरा अभी आया कि नहीं। जैसे मैंने मेल खोला, ये देखिए, जैसे मैं अपना मेल ओपन करता हूँ तो ये BFS ग्लोबल से आ गया, मेरा डेट आ गया 31 अक्टूबर को, मेरा इतना बजे अपॉइंटमेंट है, मेरा पासपोर्ट नंबर के साथ उन्होंने ये दे दिया। तो बहुत आसान है, आप ऑनलाइन इसको फिल कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, जब आप डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आप इस अपॉइंटमेंट, जिस दिन ये अपॉइंटमेंट होता है, ये अपॉइंटमेंट के दिन जिस दिन आप आपका नज़दीकी BFS सेंटर में आप जाके एप्लीकेशन देते हैं, तो ध्यान रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा और फोटो चेक कर लीजिएगा। फोटो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, मैट पेपर से फिनिशिंग होना चाहिए, ये सारे चीज़ें ध्यान रखिए, छोटे छोटे बातें ध्यान रखिए। और ये अपॉइंटमेंट लेटर आपको ले जाना पड़ेगा वहाँ जो भी सेंटर में, पहले आपको वहाँ सिक्योरिटी जो है आपको चेक करेगा, आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ आप जाइए, आपको फिर आपका सिक्योरिटी चेक होगा। ध्यान रखिए कि क्या क्या चीज़ें ले जाना चाहिए, तो पेन ड्राइव, लैपटॉप ये वगैरह नहीं ले जाए। अगर कोई दोस्त नहीं जा रहा है, अकेले जा रहे हैं तो फिर ये सब चीज़ें नहीं ले जाइए, नहीं तो वहाँ का स्टोर रूम में जो है वहाँ रखने के लिए आपको 200 रुपया चार्ज किया जाता है, 200 रुपया फीस लेगा आपका, वो वहाँ रख दिया जाए लॉकर में। लेकिन आप एक्स्ट्रा 200 रुपया अगर फीस पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये सब ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा आपका डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स
जीरोक्स डॉक्यूमेंट सब कुछ लेके जाइए, और वो एप्लीकेशन लेटर जो आपको मिला वो आप लेके जाइए, वहाँ टोकन मिलेगा, आप इंतज़ार करिए, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे आप पेमेंट कर दिए तो आपके पास फाइनल बिल आ जाएगा, जैसे आपके पास फाइनल बिल आएगा तो उसका पहले आपका बायोमेट्रिक्स जो होता है वो बायोमेट्रिक्स आपके लिए हो जाएगा और सारे वेरिफिकेशन हो जाएगा, हो जाने के बाद आपका फाइनल बिल दे दिया जाएगा, और बिल देने के बाद आप घर चले आइए, आपका पासपोर्ट कुरियर कर दिया जाएगा और आपको पासपोर्ट मिलेगा, फिर आपको पता चलेगा आपका वीज़ा लगा है कि नहीं। आपको और भी बातें बताऊंगा, प्रोसेस बता दूंगा। अगर आपको कहीं कुछ भी चीज़ का बारे में और जानकारी होना चाहिए, आपको और भी जानकारी चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरा मेल एड्रेस दिया हूँ, मुझे मेल कीजिए, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। सो थैंक यू सो मच। Thank you.